नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। दुनिया भर में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। पूरी दुनिया इस बीमारी से जंग तो लड़ रही है, लेकिन अभी तक इस बीमारी को हराने के लिए कोई भी हथियार नहीं मिल पाया है। या यूं कहें कि वैक्सीन नहीं मिल पाया है। वैक्सीन ना होने के चलते इस बीमारी से दुनिया में 17,80,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं, तो वहीं 1,08,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अब इसी कड़ी में पूरी दुनिया में कोरोना वायरस से जान बचाने वाली दवाओं और टीकों पर जोरों से रिसर्च की जा रही है। इसी बीच भारत की केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र की एक कंपनी को कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने और औपचारिक ढंग से काम करने के लिए फंड किया है। अब यह सवाल उठता है कि सरकार ने किस कंपनी को फंड दिया है, कौन औपचारिक तौर पर काम करेगा, दवा को बनने में कितना समय लगेगा और किस तरह से इस दवा को तैयार किया जाएगा। इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए ध्यान से देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। सबसे पहले बात करते हैं कि किस कंपनी को सरकार ने हरी झंडी दिखाई है। तो आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस कंपनी को जिम्मा दिया गया है वो कंपनी एक स्टार्टअप है। जी हाँ, सरकार की ओर से भारत की ही एक स्टार्टअप सीगल बायो सॉल्यूशन को इसका जिम्मा सौंपा गया है। इस तरह से यह कंपनी देश की पहली कंपनी बन चुकी है जिसे कोविड-19 का टीका खोजने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है। ये पुणे की स्टार्टअप कंपनी है जो कि बायोलॉजिकल तकनीक पर काम करती है। उम्मीद है कि इस कंपनी के जरिए कोविड-19 के लिए वैक्सीन और इम्यूनोलॉजिकल किट तैयार की जा सकेगी। फिलहाल कंपनी दो तरह के एबी एजेंट पर बना रही है। इनमें से एक कोविड-19 के लिए है जिसे एस प्रोटीन कहते हैं और दूसरा वायरस के प्रोटीन को बताया गया जिसे एबी और एसपी नाम दिया गया है। इसके तैयार होने के बाद एजेंट यानी कि दवा को खास तरह के जंगली चूहों पर 5mg डोज के साथ चेक किया जाएगा। देखा जाएगा कि शरीर में डालने पर एंटीबॉडी कैसी प्रतिक्रिया देती है। एक बार इस जांच के नतीजे सकारात्मक मिलने के बाद दूसरी तरह के चूहों पर इसका प्रयोग किया जाएगा। इसी तरह से वैक्सीन तैयार करके शुरुआती सफलता के बाद लगभग 1,00,000 वैक्सीन डोज तैयार किए जा सकेंगे। ऐसे में अहम सवाल यह है कि इसे तैयार करने में कितना समय लगेगा। तो आपको बता दें कि वैक्सीन के फायदे नुकसान और साइकोकाइनेटिक गुणों की अच्छी तरह से स्टडी करने के बाद चूहों के अलावा बंदरों पर भी इसका ट्रायल होगा और इसके बाद ये भी वैक्सीन अपने पहले चरण के क्लिनिकल ट्रायल के लिए तैयार माना जाएगा। काम में पूरी तेजी के बाद भी पहला कॉन्सेप्ट तैयार होने में लगभग 80 दिन लग जाएंगे और फिर प्री क्लिनिकल ट्रायल होगा, यानी कि कुल मिलाकर इसमें 18 से 20 महीने का समय लग सकता है। कंपनी वैक्सीन के साथ ही कोविड-19 की जांच के लिए किट तैयार करने की कोशिश भी कर रही है। ये किट खासतौर पर कोरोना के उन मरीजों के लिए तैयार की जा रही है जिनमें बीमारी के कोई लक्षण नहीं दिखते हैं। फिलहाल देश में कोरोना की जांच के लिए जो किट है वो पॉलीमर चेन रिएक्शन किट है जो कि तेजी से जांच के नतीजों को नहीं बता पाती और सटीक परिणाम भी नहीं मिल पाते हैं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए वीके न्यूज। शुक्रिया।